हेलो डियर साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डियर साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 के लिए। साथियों, जैसे आप सभी लोग पता है कि आपका एसएससी जीडी 2019 में काफ़ी बच्चों को साथियों यहाँ पर रीमेडिकल्स वगैरह दिए गए थे। तो साथियों, जिनको रीमेडिकल्स वगैरह दिए गए थे, क्या उनका रीमेडिकल अब नहीं होगा? जी साथियों, क्या उनका रीमेडिकल यहाँ पर अब नहीं कराया जाएगा? तो साथियों, अगर उनका रीमेडिकल्स कराया जाएगा तो रीमेडिकल में साथियों किसको बुलाया जाएगा, किस पॉइंट में साथियों बुलाया जाएगा? ठीक है, तो जो आपका साथियों एडमिट कार्ड होगा वो ऑनलाइन आएगा या तो ऑफलाइन आएगा? तो आपके ये सारे डाउट साथियों जो आपके कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर रहे थे, इन सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप सभी लोगों को बने रहना है। तो जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया साथियों, तो वो वीडियो लाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ जिसने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया, वो साथियों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की रीमेडिकल की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए साथियों, फिर बात करता हूँ कि एसएससी जीडी रीमेडिकल 2020। ठीक है, तो आपको पता है साथियों कि लगभग 10 से 15% बच्चे हर एक सेंटर पे साथियों 10 से 15% बच्चों को रीमेडिकल से वगैरह दिए गए थे। ठीक है, तो उन लगभग मिला के साथियों यहाँ पे जो मैंने डाटा बताया था आपको रीमेडिकल का प्रोसेस, आप जो परसों वीडियो मैंने बनाई थी उसको आप देखे नहीं तो आप नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं, कितने प्रतिशत बच्चों को बुलाया गया था, पूरा प्रोसीजर बताया हूँ साथियों। इसमें साथियों मैं आपको सिर्फ बात करूँगा आपके कमेंट के जो पूछ रहे हैं उनके जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले साथियों बात करूँगा, रीमेडिकल होगा आपका 100% होगा। ठीक है, तो आपका अगर रीमेडिकल साथियों दिया गया है आपको, तो आपका रीमेडिकल 100% कराया जाएगा। जो मार्केट में साथियों यूट्यूब के मार्केट में गलत खबर फैलाई जा रही है तो साथियों वो झूठी है। तो आपका रीमेडिकल 100% यहाँ पे होगा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं साथियों, नहीं होगा साथियों, हम लोग आपके साथ खड़े हैं अगर आपका रीमेडिकल नहीं करवाया जाएगा। तो साथियों, अगर रीमेडिकल होगा तो आपका कब होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपकी नोटिस जारी हुई थी वो लास्ट वीक बताया गया था, तो मतलब कि फरवरी के लास्ट वीक में साथियों आपका रीमेडिकल होगा। तो ये कब होगा? लगभग साथियों बता दूं कि 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच साथियों आपके एडमिट कार्ड जो है वो आने चालू हो जाएंगे रीमेडिकल के लिए। जितने भी कैंडिडेट रीमेडिकल दिए हैं वो 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में साथियों उनके एडमिट कार्ड आने चालू हो जाएंगे। तो आप लोग हमेशा एडमिट कार्ड चेक करते रहना, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपका रीमेडिकल से रिलेटेड कोई नोटिस आती है। ठीक है, तो अब बात करूँगा साथियों रीमेडिकल अगर आपका होगा तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो ऑनलाइन आएगा या तो ऑफलाइन आएगा? तो साथियों बता दूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो ऑफलाइन, वो साथियों ऑनलाइन आएगा। ठीक है, क्यों साथियों ऑनलाइन आया? क्योंकि साथियों आपको पता है कि आजकल जो एसएससी जीडी का प्रोसीजर वो सिर्फ आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीआरपीएफ की वेबसाइट पर साथियों आपका पूरा एडमिट कार्ड जो होगा ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे साथियों तो आपको तुरंत नोटिस मिल जाएगा मेरे चैनल के द्वारा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। क्योंकि साथियों आप लोग ज़्यादा वेबसाइट के चक्कर में नहीं रहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको नोटिस मिल जाए। तो साथियों यहाँ पे 10 से 15% चांस है आपके ऑनलाइन भी आने की, अगर आप एड्रेस वगैरह सही भरे होंगे तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन आएगा तो आपका सही तरीके से आपके घर ऑफलाइन पहुँचा दिया जाएगा। तो गाइस, अब बात करूँगा किसे मेडिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, रीमेडिकल में आखिर किसे बुलाया जाएगा? तो साथियों यहाँ पे मैं बता दूंगा जितने भी कैंडिडेट, मतलब कि जो आपको दो फॉर्म मिले हैं, 2 नंबर और 3 नंबर का फॉर्म, उसको साथियों आपने सही तरीके से भरा होगा तो आपको रीमेडिकल में बुलाया जाएगा। अगर साथियों 2 और 3 नंबर फॉर्म में आप कोई गलती भी किए हैं तो साथियों आपको तब भी रीमेडिकल से लिए बुला लिया जाएगा। आपको रीमेडिकल्स में कब नहीं बुलाया जाएगा मैं आपको बता दूं, जो साथियों आपको एनवलप वगैरह मिला है उसमें अपना एड्रेस अगर साथियों और जहां पे आपको भेजना है उसका एड्रेस, अगर आपने कोई भी गलती की होगी तो आपको साथियों आपके एड्रेस पर जो है वो एडमिट कार्ड नहीं शो होगा ना तो पहुँच पाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के सही तरीके से भरा होगा। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कैसे मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि आप लोग एनवेलप कैसे बनाएंगे, डीडी कैसे बनवाएंगे, फॉर्म 2 और 3 कैसे भरेंगे, तो पूरा प्रोसीजर बताया हूँ, वीडियो देख लेना है। तो साथियों किनका मतलब कि किन्हें बुलाया जाएगा, जो साथियों एकदम सही तरीके से मतलब कि जिनको मान लो किसी को नौकरी में साथियों दिया गया, अगर उनका नौकरी प्रॉब्लम ही है जो ठीक नहीं हो सकता, अगर उन्होंने किसी तरीके से फर्जी तरीके से डॉक्टर को पैसा वगैरह दे के बनवा लिया है तो साथियों जब वो सरकारी डॉक्टर से चेक करवाएंगे तो भी वहाँ पे उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से आपको किसी मतलब कि डॉक्टर की गलती, जो सरकारी डॉक्टर की गलती से आपको रीमेडिकल दे दिया गया था, अगर साथियों आपका सही तरीके से वहाँ पाया जाता है तो आपको रीमेडिकल पास कर दिया जाएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी।
उन्हें कैंडिडेट को बुलाया जाएगा साथियों, जितने भी कैंडिडेट सही और एकदम से अपनी सत्यता पर जांच करके अपनी री मेडिकल में जानकारी दिए होंगे, ठीक है। तो साथियों मुझे आशा है कि आपके ये तीनों सवाल जो थे आपके माइंड में चल रहे थे वो कन्फर्म हो गए होंगे। आपका री मेडिकल लास्ट वीक होगा फरवरी में, और ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो सही तरीके से अपना एनवलप वगैरह फिल किया होगा उन्हीं को री मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो साथियों ये रहा पूरा प्रोसीजर, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। री मेडिकल के रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगी तो सबसे पहले साथियों आप तक पहुंच जाएगी। तो हेलो साथियों, ये वीडियो यहीं पे अंत तक करता था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।